हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर से होंगे। युवा कबड्डी सीरीज़ के पहले मैच के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मैच होने वाला है MM वर्सेस ARA के दरमियान, इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ टॉप क्लास टीम एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको की प्लेयर्स के बारे में जानकारी, टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन फॉर हेड टू हेड माली ग्रैंड लीग और टॉप थ्री ग्रैंड लीग टीम्स का भी प्रिव्यू दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मैच से जुड़ी कोई भी जानकारी और लाइनअप्स निकलने के बाद फाइनल टीम्स बिल्कुल फ्री कॉस्ट पाने के लिए आप हमसे हमारी टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको चार प्राइम टीम्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसमें से दोस्तों दो ग्रैंड लीग के लिए आपको टीम मिलेंगे, एक हेड टू हेड टीम होगा और एक स्मॉल लीग टीम भी आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डिटेल में, साथ ही साथ आपको टॉप क्लास टीम्स का भी प्रिव्यू दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम बेसिक डिटेल से और आपको टॉप इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, इससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ये दोस्तों जो मैच है ये 10 बजे शुरू होगा और ये मैच पहला मैच होगा युवा कबड्डी सीरीज का और इस सीरीज में टोटल दोस्तों 11 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोनों टीम्स की तरफ से अगर हम प्रोबेबल लाइनअप की बात करेंगे, जो कि प्रोबेबल स्टार्टिंग लाइनअप है, और दोनों टीम्स दोस्तों सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं। आई थिंक 5-5 प्लेयर्स को हर टीम एज ए सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर्स होते हैं उनको खिला सकती है, और जो लाइनअप्स निकलेंगी ना वहां पर भी लिखा होगा कि कौन स्टार्ट करेगा और कौन सब्स्टिट्यूट में खेलेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ आपको टीम भी मिलेंगे टेलीग्राम पे। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे MM की, यानी मराठा मैरवल्स की, अगर हम बात करेंगे इनकी तरफ से नकुल संजिनी, साहिल जंदू, अजय धाखा, धर्मेंद्र सिंह, राहुल चौधरी बी और हेमंत सिंह, अरुण सेलिन की, ये दोस्तों आपको तकरीबन स्टार्टिंग में आपको इनकी तरफ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वही एरिविला एरोस की बात करेंगे, यानी ARA की अगर हम बात करेंगे, इनकी तरफ से माहीपाल, लोकेश और कपिल गुजरर, सुमित चौधरी, युराज सिंह, तौसीफ अहमद और गोविंद्र गुजर, ये दोस्तों आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, स्टार्ट में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। स्टार्टिंग करने के इन प्लेयर्स के चांसेस है। और अब इनमें से कौन से प्लेयर्स कैप्टनसी के लायक है, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, वो हम दोस्तों बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम MM की बात करेंगे, यानी मराठा मैरवल्स की अगर हम बात करेंगे इनकी तरफ से, अगर टॉप राइडर की बात करते हैं तो नकुल संजनी दोस्तों आपको टॉप क्लास प्लेयर देखने को मिल जाएंगे इनकी तरफ से। नकुल संजनी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इनकी तरफ से टॉप राइडर है और इसकी जो सक्सेस रेट है वो भी अच्छी है और ये आपको अच्छे पॉइंट स्कोर करके दे सकता है। इनका साथ जो देने वाले हैं वही अजय धाखा और अरुण सलन की, ये दोस्तों आपको इनकी तरफ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वही अजय धाखा की बात करेंगे दोस्तों, ये ऑलराउंडर ऑप्शन भी है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे इनकी तरफ से तो ये है दोस्तों इनका राइडर टॉप क्लास नकुल संजनी, ये टॉप क्लास कैप्टन भी रहने वाला है। कुल मिला के इस वीडियो में आपको 6 ऑप्शन ऐसे बताऊंगा, 6 टीम्स के लिए कैप्टन में आपको बताऊंगा जो कि 6 प्लेयर होंगे। बाकी आप अपने हिसाब से अगर ज्यादा टीम्स के साथ खेलना चाहते हो तो ज्यादा प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारी मतलब इनकी तरफ से टॉप क्लास राइडर। और हम दोस्तों अगर हम इनके दो और प्लेयर्स की बात करेंगे तो वो रहे ये दो, अजय धाका और दोस्तों सोलन की, ये दो ऑप्शंस और जो इसको साथ देंगे राइडिंग सेक्शन में। और अब बात करेंगे दोस्तों इनकी तरफ से जो डिफेंडर ऑप्शन है, धर्मवीर सिंह दोस्तों आपको इनकी तरफ से टॉप डिफेंडर देखने को मिल जाएंगे और इनका साथ देने वाले हैं राहुल चौधरी और हेमंत सिंह दोस्तों इनको साथ देंगे। और बेस्ट डिफेंडर की बात करते हैं, धर्मवीर सिंह दोस्तों इनकी तरफ से टॉप डिफेंडर आपको देखने को मिल जाएंगे, इसका भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और अजय धाका दोस्तों आपको ऑलराउंडर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फाइन ऑलराउंडर पिक हेयर, लुक फॉर हेम टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन बोथ एंड्स ऑफ द मैट फॉर द मैरवल्स, ये भी दोस्तों इनकी तरफ से टॉप क्लास ऑप्शन है। टॉप थ्री कैप्टन्स की बात करते हैं दोस्तों, नेकुल है, धर्मेंद्र सिंह है और अजय धाका है। ये तीन ऑप्शन दोस्तों किसके लिए रहने वाले हैं, MGL मेगा ग्रैंड लीग है, मेगा ग्रैंड लीग में आप ड्रीम इलेवन में दोस्तों इनके साथ जा सकते हो, विजन इलेवन पर जा सकते हो, तो अच्छे ऑप्शन हैं। आप बात करेंगे दूसरी टीम के, बाकी जो इनके प्लेयर्स हैं ना उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ इनके बारे में आपको बताएंगे, और टीम भी आपको दिखाएंगे जो हमने बना के रखे हैं, डेमो टीम्स उनको कॉपी नहीं करना है। ये रहा दूसरा ARA टीम। ARA टीम की अगर हम बात करेंगे, इनकी तरफ से मैंने टॉप थ्री प्लेयर्स जो सिलेक्ट करके रखे हैं, एक तो दोस्तों इनका जो ऑलराउंडर है, सॉरी इनका जो राइडर है माहीपाल,
विल लीड द राइडिंग डिपार्टमेंट फॉर द एरोज एंड प्रोवाइड्स द बेस्ट पिक एमंग द राइडर्स इन दिस गेम। ये राइडर्स की तरफ से बेस्ट पिक है। अगर राइडर्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट की बात करेंगे तो माहीपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों टीम्स के पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है, तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार मैच होने वाला है। तो माहीपाल यहाँ पर कैप्टनसी के लिए ठीक रहेंगे, आप इसके साथ जा सकते हो। बेस्ट कैप्टनसी के लिए ठीक रहेंगे, पहला ऑप्शन कैप्टनसी के लिए ERA की तरफ से। तौसीफ अहमद दोस्तों बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर है और ये आपको राइडिंग सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, वही दोस्तों डिफेंडर सेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको भी एज ए ऑलराउंडर अगर देखा जाए ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा दूसरा ऑप्शन। कपिल गुजर की बात करेंगे दोस्तों, ये भी डिफेंडर सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन है और ये भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो बेस्ट तीन ऑप्शन की बात करेंगे, माहीपाल, तौसीफ और कपिल गुजर, दोस्तों आपको अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब टॉप पिक्स की बात करेंगे जो कि मैंने आपको अभी तक बताए। माहीपाल बता दिया जो कि मतलब बिल्कुल आपके पास होने चाहिए तभी आपका टीम स्ट्रांग बन सकता है। अजय धाका, तौसीफ अहमद, नकुल संजनी, धर्मेंद्र सिंह, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने आपको बताए। वही वर्थ ए शॉट यानी बाकी जो अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको सस्ते क्रेडिट में भी मिल सकते हैं, हाई क्रेडिट में भी मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग तो अभी गए नहीं है। कपिल गुजर है, लुकेश गोशालिया है, राहुल चौधरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बाकी प्लेयर्स हैं। अब क्या करेंगे हम, अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग खेलना चाहते हो तो आपके लिए कौन से दो प्लेयर ठीक रहेंगे? तो प्यारे दोस्तों ये जो प्लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों हेड टू हेड खेलना चाहते हो तो आपके लिए कैप्टन फिर या वाइस कैप्टन अगर हम बात करेंगे तो ये दो ऑप्शन ज़्यादातर बेहतर रहने वाले हैं। महिपाल कैप्टनसी के लिए हेड टू हेड में ठीक रहेंगे, स्मॉल लीग में भी कैप्टन बना सकते हो। अजय दाका वाइस कैप्टनसी के लिए ठीक रहेंगे। और अब हम वापस चलते हैं ड्रीम एलेवन पर, जहाँ पर मैं आपको टॉप क्लास थ्री ग्रैंड लीग टीम्स का प्रीव्यू भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहे टॉप थ्री टीम्स जो मैंने आपके लिए बना के रखे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उससे आपका लॉस हो सकता है। और जो टीम्स आपको फाइनल मिलेंगे वो टेलीग्राम पर है, आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो लिंक को कॉपी कर लेना और टेलीग्राम में पेस्ट करना। जो वहाँ पर आपको दो चैनल्स मिलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कम सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा कम सब्सक्राइबर होंगे। तो हमारी टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करेंगे तकरीबन आपको 2.8 के सब्सक्राइबर देखने को मिलेंगे, तो यही हमारा मतलब जो टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा कोई भी बड़ा चैनल आपको देखने को मिले वहाँ पर आपको नहीं जाना है। तो चलिए पहले टीम पर दूसरे टीम पर नज़र डालते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ बेल की घंटी को दबा दें लेटेस्ट ड्रीम एलेवन के वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए पहले टीम पर डालते हैं नज़र। इसमें दोस्तों अगर हम देखा जाए, एक तो दोस्तों डी सिंह को पिकअप किया है, के गुजर को पिकअप किया है डिफेंडर सेक्शन में, दोनों अच्छे ऑप्शन है, दोनों को कैप्टन ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में टी अहमद, तौसीफ अहमद और अजय धाका को पिकअप किया है, दोनों अच्छे ऑप्शन है। ये जितने भी प्लेयर इसमें है ना, मतलब कौन कौन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मैंने इसमें से पिकअप किए हैं जिनको गलती से भी मिस नहीं किया जा सकता, ये छः ऑप्शन ज़्यादातर कैप्टनसी के लिए, हर कोई ऑप्शन इनमें से कैप्टनसी के लिए ठीक रहेगा। बाकी जितने भी प्लेयर है आप उनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो या अपने हिसाब से कैप्टन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने माहीपाल को कैप्टन बना दिया, वाइस कैप्टन अजय ढाका को बना दिया। इस टीम के साथ चाहो तो आप स्मॉल लीग हेड टू हेड में भी उतर सकते हो, लेकिन ये टीम ग्रैंड लीग के लिए है। दूसरे टीम पर डालते हैं नज़र, इस टीम में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, डी सिंह, एच सिंह, टी तौसीफ अहमद, अजय ढाका, एन नंजनी, ए सलोकनी, माहीपाल, ये अच्छे ऑप्शन हैं, इनके साथ आप जा सकते हो। इसमें मैंने कैप्टन दोनों ऑलराउंडर्स को पिकअप किया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से किसी दूसरे प्लेयर के साथ भी जा सकते हो। प्यारे दोस्तों ये दूसरा टीम था। अब तीसरी टीम की बात करते हैं, जो टीम नंबर लास्ट नॉट लीस्ट और फाइनल टीम जो है, आपको चार प्राइम टीम्स मिलेंगे, दो ग्रैंड लीग होंगे, एक हेड टू हेड होगा, एक स्मॉल लीग टीम होगा, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इस टीम के डिफेंडर दो और वाइस कैप्टन के गुजर को बना दिया, आप चाहो तो कैप्टन बना सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो कैप्टन बना के रखा है एन संजनी को कैप्टन बना दिया, बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है, ये टॉप क्लास ऑप्शन है। दोस्तों अब हम मिलेंगे टेलीग्राम पर, यहाँ से आप दीजिए इजाज़त, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू टू ऑल।